फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पर्श एक्स। मेरा नाम है स्पर्श महाजन। फ्रेंड्स, आपको मेरे पेपर वेपन बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं आपके लिए एक आज ऐसा वेपन लाया हूँ जिसे आप देख के अमेज रह जाओगे, और वो है ये मिनी क्रॉसबो। फ्रेंड्स, ये बो एंड एरो की तरह ही होता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, और फ्रेंड्स ये शूट भी करता है। ये देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आओ देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक रफ शीट लेंगे और उसे रोल कर लेंगे। मैंने 2 और ऐसे रोल्स लिए हैं और अब मैं इनको सेंटर से ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ। मैंने 3 रबर बैंड्स को जॉइन करके एक चेन बना ली है। अगर आपको ये बनानी नहीं आती तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैंने 1 रबर बैंड को इसके अंदर डाल लिया है। अब मैं इसको ऐसे पेस्ट कर दूंगा। अब हम ये वाला रबर बैंड लेंगे और इसे दूसरी स्टिक में इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसको टेप से पेस्ट कर देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। हम इसे पिछली वाली स्ट्रॉ के ऊपर ऐसे यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। ये ऐसा शूटिंग मैकेनिज्म बन गया है। हमने 3 और ऐसी स्टिक्स ली हैं और इनको भी फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम इन तीनों को ऐसे पेस्ट कर देंगे। सबको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे। मेरे 2 पार्ट्स रेडी हैं। अब मैं इनको ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने पेपर की एक स्ट्रिप ली है और इसको क्लीन करने के लिए मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैंने एक मोटा रोल लिया है और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। हमने एक चिमटी या क्लिप ली है और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। इस पे हम थोड़ी सी टेप भी लगा रहे हैं। मैंने एक पेपर की स्ट्रिप ली है और उसको टेप से पेस्ट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे ऐसे पेस्ट करूँगा। जैसे हमने आगे एक स्ट्रिप लगाई थी वैसे हमने पीछे भी एक स्ट्रिप लगा ली है। अब मैं थोड़ी सी वेलक्रो लूँगा और इसके 1 पीस को इधर पेस्ट कर लूँगा। दूसरी वेलक्रो लेंगे और इसको अंदर की साइड पेस्ट करेंगे ताकि ये ऐसे लॉक हो जाए। जैसे मैंने आगे वेलक्रो लगाई थी मैंने इसके पीछे वाले स्ट्रैप पे भी वेलक्रो लगा ली है। वेलक्रो को स्ट्रेंथ देने के लिए आप इसको स्टेपल भी कर सकते हो। एरो बनाने के लिए मैंने एक पतला सा रोल लिया है और अब मैं इसके 1 साइड पे 2 छोटे छोटे कट्स मार दूंगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक स्लॉट बन गया है जिसमें रबर बैंड फिट हो सकता है। मेरा मिनी क्रॉसबो रेडी हो गया है और मैंने एक एरो भी बना लिया है। सबसे पहले हमको रबर बैंड को यहाँ पे लाना है। उसके बाद एरो में जो हमने छोटे छोटे कट्स मारे थे वो रबर बैंड के साथ ऐसे रबर बैंड इसमें फंस जाएगा। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ें
चीजों को इसके अंदर ऐसे लॉक कर देंगे। अब जब हम इसे प्रेस करेंगे ये फायर हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। अब इन बैंड्स की हेल्प से मैं इसे अपने हैंड पे भी पहन सकता हूँ। फ्रेंड्स कितना ऑसम लग रहा है ये प्ले करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको और अच्छा दिखने के लिए मैं इसको थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूँ। मेरा मिनी क्रॉसबो बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसे मल्टी कलर किया है। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अब मैं इसे यूज करके दिखाता हूँ। इससे पहले मैं इसे अपने हैंड पे पहनूंगा। मैं एरो लोड कर रहा हूँ। ये शूटिंग के लिए रेडी है। आओ शूट करके देखें। तो फ्रेंड्स खाना है बहुत इजी। आप भी जल्दी से इसे बनाओ और फोटोज मेरे साथ शेयर करो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।